गाइस आज मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके का एडिटिंग सिखाऊंगा, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। गाइस अक्सर इस तरीके का एडिटिंग आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखे होंगे, जो कि अभिषेक ठाकुर ने एडिट करता है, यानी अभिषेक भाई ने एडिट करता है, ठीक है। ऐसा एडिटिंग गाइस आप लोग फोटोशॉप के अंदर कर सकते हो, लेकिन गाइस हर किसी के पास फोटोशॉप नहीं होता है, एंड सब लोग चाहता है कि एंड्रॉयड फ़ोन में भी हम लोग ऐसा एडिटिंग कर पाते तो अच्छा होता। सो इसलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा आप लोग कैसे एंड्रॉयड फ़ोन में इस तरीके का एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। गाइस इस तरीके का एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को तीन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक है लाइट रूम, दूसरा है ऑटोडेस्क स्केचबुक, तीसरा है पिक्सआर्ट, ठीक है। पहले पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आप लोगों को फोटो को ओपन कर लेना है, एंड गाइस वहां पर ग्राउंड चेंज वगैरह करेंगे और उसके बाद कलर रिडक्शन करके हेयर वगैरह एडिट करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बैकग्राउंड को इनपुट कर लीजिए पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। इनपुट करने के बाद गाइस सब लोगों को ऐड फोटो पर जाना है, एंड यहां से गाइस सब लोगों को मॉडल को इनपुट कर लेना है, ठीक है। सो मॉडल को यहां पर मैं इनपुट कर लेता हूं। इनपुट करने के बाद गाइस यहां पर मैं बैकग्राउंड को काट करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर अच्छे से इनपुट कर लूँगा, एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है आप लोगों को, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस। सो इसके अंदर प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इरेजर वाले ब्रश के अंदर प्रेस करना है, एंड नीचे जो हार्डनेस है सो इसको आप लोगों को हाई कर देना है। हाई करने के बाद साइज को अपने मुताबिक से, एंड फोटो को जूम करिए, और गाइस आप लोगों को कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को कर लेना है इरेज, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बैकग्राउंड हो जाएगा इरेज, और गाइस यहां पर आप लोगों को अच्छे से करना है बैकग्राउंड को इरेज, तभी जो एडिटिंग है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके का लगेगा एंड रियल लगेगा, ठीक है। सो मैं फटाफट से कर लेता हूँ बैकग्राउंड को इरेज, एंड आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। सो यहाँ पर बैकग्राउंड को मैं कर लेता हूँ इरेज। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड को इरेज कर लिया। इरेज करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से फिट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, एंड फिट करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस कर देना है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं राइट वाले ऑप्शन है एक, इसके अंदर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपका जो फोटो है सेव हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पर सेव हो चुका है, एंड आप लोग देख सकते हैं फोटो के अंदर जो यहाँ पर फेस है अच्छा नहीं है, इसको स्मूथ करना है, एंड हेयर को भी एडिट करना है, ठीक है। सो गाइस इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद गाइस मैं इसको ओपन कर लूँगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, ठीक है। सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले गाइस। सो ड्रॉ वाले ऑप्शन के अंदर मैं जाऊंगा, ठीक है। सो मोबाइल रोटेट हो जाए, यार क्या हो रहा है तेरे को। सो यहाँ पर मैं सेव कर लूँगा, ड्रॉ वाले ऑप्शन के अंदर जाकर मैं सेव कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। सो यहाँ पर ड्रॉ वाले ऑप्शन एंड सेव टू इमेज, और गाइस इसको मैं ओपन कर लूँगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, वहाँ पर हेयर एंड फेस स्मूथ करेंगे, ठीक है। सो चलिए ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। सो गाइस इसको मैं शेयर कर लेता हूँ ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। यहाँ पर टैप करके मैं चला जाऊँगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, और यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि मेरा आया है। एंड गाइस आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है, एंड यहाँ से आप लोगों को कर लेना है इस वाले ब्रश को सिलेक्ट। सो इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करना है गाइस, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ अच्छे तरीके से, एंड सेटिंग को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को कुछ इस तरीके से रखना है, एंड गाइस आप लोगों को यहाँ पर बैग आ जाना है, और कुछ इस तरीके से जूम करिए, और यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से पेंट करना है, ठीक है। साइज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ गाइस, और साइज को बड़ा करने के बाद कुछ इस तरीके से पेंट करना है। आपका जो हेयर है बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। मैं हेयर को पहले बना लेता हूँ, उसके बाद मैं फेस को स्मूथ करना आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। सो गाइस बहुत ही आसान है, अगर आप लोग एक एडिटर हो तो आप लोगों को समझ में आ चुका है, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मेरा जो यहाँ पर ऑटोडेस्क का फुल डिटेल्स वाला वीडियो है आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं हेयर को बना लिया, एंड गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है फिर से। टैप करने के बाद गाइस ब्रश को फिर से ओपन करना है, एंड यहाँ पर इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोगों को सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस सेटिंग को कुछ इस तरीके से रखना है, और बैग आ जाइए, और गाइस साइज को अपने मुताबिक से रखना है, और जूम करिए फोटो को,
फेस के अंदर कुछ इस तरीके से पेंट कर दीजिए, ठीक है। आपका जो फेस है बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएगा मेरे जैसा, ठीक है। अगर मेरे फ़ोटो का क्वालिटी चेक करना है आप लोगों को, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं डेली फ़ोटो अपलोड करता हूँ गाइस। आप लोग जाकर देख सकते हो मैं कौन सा फ़ोटो अपलोड करता हूँ एंड कौन सा फ़ोटो का ट्यूटोरियल आप लोगों को चाहिए, ठीक है। सो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर फेस को स्मूथ कर लेता हूँ। स्मूथ करने के बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे रिटचिंग करना है लाइटरूम के अंदर, ठीक है। सो इस प्रोसेस को अप्लाई करके आप लोग अभिषेक ठाकुर जैसा फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से स्मूथ कर लिया फेस को। स्मूथ करने के बाद है जो यहाँ पर हाथ है उसको भी थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ एंड फोटो को कर लेता हूँ मैं सेव, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीके से स्मूथ कर लिया एंड इसको मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना फोटो, एंड आप लोग जितना भी जूम करोगे फटेगा नहीं। यहाँ पर मैं सेव कर लूँगा फोटो को, सेव करने के बाद लाइट मैप के अंदर ओपन कर लूँगा। सो चलिए लाइट मैप के अंदर। सो गाइस लाइट मैप के अंदर ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा गाइस। आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है, यहाँ पर लाइट वाले जो ऑप्शन है इसके अंदर टैप करना है। मैनुअल तरीके से आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है हाईलाइट को माइनस की तरफ, शेडो को हाई, व्हाइट को माइनस की तरफ, ब्लैक को भी माइनस की तरफ। और उसके बाद गाइस कलर वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करिए, यहाँ पर मिक्स वाले टूल और ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके लुमिनेशन को हाई कर दीजिए और सेचुरेशन को माइनस की तरफ कर दीजिए। और उसके बाद ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लीजिए सेचुरेशन को माइनस की तरफ, येलो कलर का भी सेचुरेशन को माइनस की तरफ, और डन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद क्लैरिटी को हाई कर देना है। हाई करने के बाद गाइस आप लोगों को भाई पिगमेंट को माइनस की तरफ कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को शार्पनेस को हाई करके नॉइस रिडक्शन को भी हाई कर देना है एंड आपका जो फोटो है रेडी हो जाएगा। एंड सबसे आसान तरीका है फ़ोटो एडिटिंग करने का, ठीक है। ये ट्रिक से आप लोग बहुत ही इजी तरीके से अपना जो फ़ोटो है बहुत ही यूनिक बना सकते हो एंड आप लोगों का जो एडिटिंग है बहुत ही अच्छा खासा क्वालिटी रहेगा, ठीक है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, और भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करना। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।